वेलकम बैक। जनरल सर्जरी मैंने यूनिट 2 जॉर्ज हॉस्पिटल से की, और जनरल सर्जरी में मेरी रूटीन बहुत ही हेक्टिक और बहुत ज़्यादा रगड़ा चढ़ा मुझे वहाँ पे। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एक दफ़ा तो मैंने ये सोचा कि क्विट, इसको छोड़ देते हैं, नहीं करते, वापस घर चले जाते हैं या कहीं और जाके और जॉब जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जनरल सर्जरी ऑब्वियसली हर जगह पर ही हेक्टिक होती है, और एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा जनरल सर्जरी में जो है आपका रोस्टर इस तरह से बनता है कि आपको लाइक मोस्टली जगहों पे सुबह 6 से लेकर शाम 8 तक जो है वो एक शिफ्ट ईआर की होती है और दूसरी शाम 8 से लेकर सुबह 8 तक। तो आपको दोनों जो शिफ्ट थी 12 आवर्स की, तकरीबन 12 आवर्स 14 आवर्स पेशेंट काउंट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है बंदा बहुत ज़्यादा तंग होता है। काउंट के हवाले से जनरल हॉस्पिटल की एक ये खास बात है कि पूरे लाहौर का ऑलमोस्ट ऑलवेज जो भी ट्रामा का केस होता है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ही आता है। एक तो मोस्टली ट्रामा के केसेस के अंदर हेड इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और चूँकि पेंस है वहाँ पे, तो उस वजह से सारे ट्रामा के केसेस इधर आते हैं, और लाजमी नहीं है कि हेड इंजरी भी पेशेंट को लाजमी हो। हेड इंजरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ट्रामा में हो सकती हैं, तो उस वजह से जनरल सर्जरी के जो ट्रामा के केसेस थे तो उस वजह से ही रश पड़ा रहता था। जनरल सर्जरी का जो रोस्टर होता है इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज नेवर फ्रेंडली, सुबह 6 से लेकर शाम 8 तक या शाम 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो ईआर चलती रहती है। लाइक 24 आवर्स ईआर तो चलनी ही होती है, तो उसमें दो शिफ्टें ही होती हैं, तीसरी शिफ्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता, दो ही शिफ्टें करनी होती हैं। तो या तो आप सुबह 6 से लेकर शाम 8 तक करते हैं, या फिर आप शाम 8 को आके सुबह 6 बजे तक करते हैं। रोटेशंस का जो सीन था मैंने वो इस तरह से रखा था कि जो हेक्टिक और यूँ कह लें कि वर्कलोड जिन रोटेशन पे ज़्यादा होता है वो जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन होती है, तो मैंने इस तरह से रखी थी कि विंटर के सीज़न में आ जाएँ दोनों, और जो अलाइड थी तो वो लाइक जून जुलाई अगस्त इन इस तरह करके आ जाए। तो पहले मैं न्यूरो सर्जरी कर चुका था क्योंकि, और न्यूरो सर्जरी मेरी बहुत अच्छी गुजरी थी और रोस्टर भी बड़ा फ्रेंडली था एंड इट वाज वेरी गुड। तो जनरल सर्जरी में आके मुझे कुछ और ज़्यादा ही जनरल सर्जरी हैक्टिक लगने लग गई, तो दरमियान में मेरा इरादा बना कि लेट्स क्विट, छोड़ देते हैं यहाँ से ही, बस जो होना था वो हो गया और बाकी नहीं करते। जनरल सर्जरी में मैं इतना तंग हुआ था कि आई सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स इन पिम्स, और पिम्स में मैंने कॉन्टेक्ट भी किया और ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज रेडी। मैं बस पिम्स में ज्वाइनिंग दे के अपनी जनरल सर्जरी से ही स्टार्ट करना चाह रहा था। देन आई केम टू नो अबाउट द पीएमसी एंड पीएमडीसी पीएमसी रेगुलेशंस के आप जहाँ से स्टार्ट किया आपने आप एमपीए कंप्लीट करना है, और मिनिमम मेरे ख्याल से कोई 6 मंथ्स का क्राइटेरिया है कि आपने 6 महीने एक हॉस्पिटल में लगाने हैं, फिर आप बाकी के जो 6 महीने हैं वो किसी और जगह लगा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा मैं तंग हो गया था। बहरहाल तंग होना इज़ अनदर इशू, कंप्लीट तो करना था ऑब्वियसली, 1 ईयर का जो ड्यूरेशन होता है वो लाइक पूरा आप करते हैं तो उसके बाद ही आपका जो है नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। खैर करता रहा आहिस्ता आहिस्ता, और एक तो रोस्टर बड़ा गंदा और दूसरा जो जनरल सर्जरी में वार्ड वीक्स लगते थे, लाइक वीक के 7 डेज जो थे आपका जो बैच होता था या जो ग्रुप होता था उसमें स्टे करना होता था वार्ड के अंदर ही, आप नहीं जा सकते कहीं भी, आप वार्ड में रहें। तो उसमें यह सीन होता है कि आप थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं अपने ग्रुप के अंदर, तो फिर आपको थोड़ा सा जो है ना रिलैक्सेशन या रिलीफ वो मिल जाता है। जनरल सर्जरी के इलेक्टिव्स में तो कोई खास सीन नहीं था, इलेक्टिव प्रोसीजर्स में हाउस ऑफिसर के सतह पे आपको कोई खास काम करने को नहीं मिलता। बहरहाल आप ऑब्जर्वेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप यू कैन ऑब्जर्व, आपको कोई भी नहीं रोकता, आप कोई भी केस किसी भी अगर ओटी में हो रहा है और आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपको पूरा पूरा मौका दिया जाता है कि आप उस केस को ऑब्जर्व करें। और इलेक्टिव ओटी में आपको क्लोजिंग मोस्टली मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने का इलेक्टिव ओटी में आपको नहीं मिलता, और मुझे भी इलेक्टिव ओटी के अंदर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने का नहीं मिला। इसके अलावा जो इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर होते हैं जो ईआर के लाइक हमारे ईआर के सेकंड या थर्ड फ्लोर के ऊपर थे, तो उनमें आपको क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलता है, और वहाँ पे आप जो ईआर के केसेस होते हैं ऑपरेशन थिएटर के आप वो भी कर सकते हैं। अपेंडेक्टमीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, अपेंडेक्टमी की स्टोरी मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, वील टॉक अबाउट इट लेटर। एंड अपेंडेक्टमी ये एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी थी वहाँ पे जो कि चलती थी। बहरहाल बाकी भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के केसेस आते थे वहाँ पे, और आपको करने का वहाँ पे पूरा पूरा मौका दिया जाता था, एंड देर वर वेरी गुड एंड कोऑपरेटिंग सीनियर्स एज वेल। एंड वहाँ पे यू नो द डिस्ट्रैक्टर्स अच्छे भी थे, एंड देर वर लाइक नॉटी कह लें नॉटी सीनियर्स
जो कि आपको हर वक्त आपको आगे लगाया होता है, धरा होता है आपको, और देर वर आल्सो द टॉर्चरिंग एंड नॉटी वंस, और वो आपको हमेशा भगा के रखते हैं, लाइक हाउस विजिट इज़ द रनिंग मशीन, और उसको हमेशा भागते ही रहना है. एंड इट वॉज ऑब्वियसली इट वॉज गुड फॉर द प्रैक्टिस, बट इतना ज़्यादा भी नहीं भगाना चाहिए था. एक बंदा था तो उसको डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आपने रोज़ाना 2 किलोमीटर चलना है, तो वो बंदा रोज़ाना 2 किलोमीटर चलना शुरू कर दिया उसने. और तकरीबन कुछ अरसे 1 महीने 1.5 महीने के बाद उसकी कॉल आई डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब मैं अफ़गानिस्तान पहुँच गया हूँ, तो वापस कब आना है दोबारा चेकअप के लिए. तो जब आप हाउस विजिटर को भगाते हैं तो ऑब्वियसली यही सीन होता है कि वो फिर भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है, फिर उसके बाद जो है वो अफ़गानिस्तान ही निकल जाता है, फिर वापस तो वो नहीं आता. बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है रूटीन, काम करना चाहिए, काम करते हैं तो ही हम आगे लाइफ में प्रोसीड करते हैं सीखते हैं. लेकिन कुछ जगहों पे या यूँ कह लें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जनरल सर्जरी में मुझे भी मिले, जिनका जो है ना मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप जस्ट रन, आपका और कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में, बस आपने भाग के रहना है, इस पेशेंट को इधर ले जाओ, इस पेशेंट को इधर ले जाओ, ये काम करो वो काम करो, जस्ट कीप रनिंग. जो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो माइनर रूटीन में ही डील किए जाते हैं, और ईआर की जब आपकी ड्यूटी होती है तो उसमें आपको पूरा पूरा टाइम मिलता है और आप अच्छी तरह उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं. और माइनर रूटीन के अंदर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बिल्कुल छोटे छोटे प्रोसीजर होते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे किस्म के प्रोसीजर आपको करने को मिलते हैं एंड यू गेट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. और मुझे भी मौका मिला एंड आई डिड वेरी वेल. मैं जो एनपीओ का कंसेप्ट था तो एनपीओ रात को 12 बजे ही कर देते पेशेंट को, लेकिन कुछ ऐसे नॉटी पेशेंट्स भी होते हैं जो आपको बार बार तंग करते हैं. तो मुझे एक पेशेंट है लाइक मॉर्निंग में जब हम उसको शिफ्ट करने लगे इलेक्टिव ओटी के अंदर, तो ही वाज सेइंग लाइक मैं खाना मैंने कुछ नहीं है, मैं एक सिगरेट पी लूँ. तो मैंने उसे कहा कि सिगरेट पी ले वापस घर पहुँच जा, फिर ऑपरेशन तो आज देर नहीं होना. तो इस तरह के पेशेंट्स भी आपको मिलते हैं वहाँ पे देखने को. देर आर गुड चांसेस ऑफ लर्निंग एवरीवेयर एनवायरमेंट, जैसा भी हो, चाहे वो रनिंग मशीन का हो, चाहे आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा हो, लेकिन जब तक आप खुद करने के लिए नहीं आते और आप खुद इंटरेस्ट नहीं लेते तब तक आप नहीं सीख सकते. अगर आप खुद कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं और आपको सिखाते हैं. तो जनरल सर्जरी में भी मुझे बहुत अच्छे इस तरह के सीनियर मिले जिन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और मुझे बहुत कुछ सिखाया, एंड आई एम थैंकफुल टू देम, और अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे. ड्यूरिंग हाउस जॉब योर फ्रेंड्स आर एवरीथिंग, वही आपके सेवियर होते हैं कि जब आप फंस जाते हैं किसी जगह या इवन आप सिख हैं तो लीव तो सिख की भी नहीं, वहाँ पर बड़ी मुश्किल से ही मिलती है, तो आपके फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपको सेव करते हैं वहाँ पर. And I have very good friends in general surgery and in neurosurgery as well. I tried street food and also the fancy food. Like in the other, my experience was Lahore to explore. करने वाला वो medicine के तकरीबन end में जा के start हुआ था. And all the 3 months almost of dermatology, मैंने सारा Lahore ही explore किया था. We will talk about it when I'll record the dermatology rotation video. बहरहाल जनरल सर्जरी मेरी कोई ख़ास अच्छी नहीं गुजरी थी, इट वाज नॉट गुड फॉर मी एट लास्ट. दी शॉर्ट रिव्यू ऑफ माय जनरल सर्जरी रोटेशन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेरी मेडिसिन की रोटेशन जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी. ऑब्वियसली इट वाज मोर हेक्टिक एंड मोर टफ दैन जनरल सर्जरी, बट इट वाज क्वाइट गुड एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे कनेक्टेड, टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.